नमस्कार जी, मैं हाँ बलविंदर हाली ते तुसी देख रहे हो पंजाब डायरी। 12वीं सदी के प्रमुख सूफी संत बाबा शेख फरीद जी का आगमन पुरब फरीदकोट विखे बड़ी ही श्रद्धा ते धूमधाम नाल मनाया गया। इस आगमन पुरब मेले के अंदर लगे किताबां दे मेले बारे असी तुहानू पहला भी कुछ खबरां दिखाईयां हन। अज दिखाउंदे हाँ किताबां नाल संबंधित अजिही खबर कि पंजाबी शायरां अदीबां ते इस्लाम प्रति साहित वेचण वालियां ने अपने अंदाज विच किताबां नूं किवें पेश कीता। असी इस मेले दौरान जिथे प्रसिद्ध शायर विजय विवेक तो किताबां बारे पुछया ते उन्हां दे गीत भी सुने ते नाल दी नाल आलोचक प्रोफेसर दविंदर साफी ने भी किताबां बारे कविता सुनाई। इस तों इलावा मलेरकोटला तो आए मुसलमान भाईचारे नाल संबंधित एक वड्डे पब्लिशर ने इस बारे दस्या कि वह इस्लाम प्रति पाए जा रहे भरम भुलेखियां बारे साहित नूं पंजाबी हिंदी ते अंग्रेजी विच अनुवाद किया होया लोकां तक पहुँचा रहे हैं। उन्हां कहा कि यह सारा साहित अते इतिहास उर्दू तो तर्जमा करके लोकां तक पहुँचाया जा रहा है। इस तों इलावा किताब मेले विच होर की कुछ होया आओ दिखाउंदे ते सुणाउंदे हाँ। हर साल वगू ऐतकी भी बिल्कुल बड़ी बहुत ये वधिया गल हो रही है और बड़ी सब तो वधिया जिहड़ी गल इत्थे मैनूं पता लग्या, पहला तो नहीं सी मैनूं पता, ऐतकी मैनूं गलबात तो पता लग्या कि सारा कोई प्रबंधकां वल्लों जिहड़ा प्रकाशकां वास्ते ये मैनूं फ्री किया जाता, उन्हां कोल कोई पैसा ईवन के रोटी पानी का तो उन्हां दी रहायश का प्रबंध भी जिहड़ा वह मैनूं किया जाता है प्रबंधकां वल्लों। तो फिर उन्होंने ये भी कहा जाता है भी भाई जिनी वध तो वध कंसेशन मैनूं दे सको किताबां दे विच, खास करके स्कूलों नूं जां कोई संस्थावां जिहड़ियां खरीददियां अपने बच्चों के पढ़ने वास्ते भी उन्होंने दो। तो साहित नूं पढ़न की चेटक लाने वास्ते, साहित पढ़न की चेटक लाने वास्ते ये फरीदकोट का मेला अजकल पंजाब के कुछ गिणवें चुनवें मेलों के मतलब शुमार होंदा, जिवें देश भगत यादगारी हॉल के उत्थे मेला लगता, पटियाले यूनिवर्सिटी लगता, टोनी बादश यादगारी मेला इत्थे लगता, बठिंडे उत्थे भी लगता, खालसा कॉलेज अमृतसर दे विच भी पुस्तक मेला लगता, ईवन के मर जाणी दिल्ली वाले जो आप छड्ड भी दईए तो साढ़े मेले का जिहड़ा इस वेले जिहड़ा शुमार है ये पंजाब के बड़े मन्ने परमन्ने 5-7 मेलों के शुमार होंदा, तो बहुत वधिया गल है जी। जी इस मेले नूं शायराना अंदाज दे विच पेश करना होवे जां आपकी कहड़ी कविता राहीं करोगे? मैं बोल कदे विषयां ते लिखा नहीं, मैं कुछ शेर तुहानू वैसे ही बोल जाने के जो कि मेले नाल रिलेटेड आप ना भी करिए तो सब मैं तुहानू सुना दिंदा कि गिला हुण की जे साडे हंझुआं ते लोक हसदे ने, गिला हुण की जे साडे हंझुआं ते लोक हसदे ने, असीं हसदे रहे उदों जदों रोणा जरूरी सी, और बड़ा कुछ करन बारे सोचिया पर सोचिया ना ये कि मेरे कुछ करन तो पहला मेरा होना जरूरी सी। दो लाइना सिर्फ ते जोगी चले आ चुक अपने तांग तसव्वुर, रोना केड़ी गले, उमरा दी मैली चादर विच बन इक लापा पले, ते जोगी चले और चुक बिरछां दियां ठंडियां छावां, सांभ मिलन लई मिथियां थावां, आ चुक इस रिश्ते दा नावा, आ चुक दुनिया दा सिरनावा, आ चुक शोहरत, आ चुक रुतबा, आ चुक बल्ले बल्ले, ते जोगी चले। हाली साहब तुसी लगातार फरीदकोट के जिहड़े जीवंत और भखदे मुद्दियां नूं उभारदे रहिंदे हो, ते अज बहुत ही खुशी की गल है कि तुसी अदब दे दुनिया च आए हो। बहुत खूबसूरत किताबां और वनगी भरपूर किताबां आईयां ने, और जिहड़े प्रकाशक इत्थे सिर्फ व्यापारक दृष्टि नाल नहीं आए, जिहड़े भी प्रकाशक आए ने वह खुद अदब दे नाल जुड़े हुए ने, चंगे साहित नाल जुड़े हुए ने, और चंगेरे साहित नाल जुड़े होने करके उन्होंने पछाण है कि जिहड़ा भी कोई व्यक्ति जां विद्यार्थी उन्हां कोल आउंदा है तो उन्होंने उस तरह का सुझाव देंदे ने कि तेरे पढ़न लायक ये है, तेरे पढ़न लायक ये है। सो इहदे लई नवें विद्यार्थियों को सहारा मिलता, सहूलत मिलती है, और जिहड़े मरमग चिंतक ने उन्हां वास्ते वख्खरियां किताबां पईयां ने। सो हर तरह का इत्थे एक गुलदस्ता है जी, मुजस्मा है, बहुत बहुत धन्नवाद है प्रबंधकों का और फरीदकोटियां का। किताब नूं कविता विच बंद करना होए तां किस तरह करोगे? पुस्तक रही पुकार सजन जी सुन के जायो, अखर जोत जगा के प्यारे, खड़ी है खड़ी तिहारे द्वार, सजन जी सुन के जायो। ये मैं मलेरकोटला से आया हूँ
और ये सारा जो वो किस्ताल है ये मलेरकोटला से की तरफ से पंजाबी इस्लामी पब्लिकेशन की तरफ से ये आता है। जहाँ भी बुक स्टॉल लगती है वहाँ पे हम भी हिस्सा लेते हैं। और ये सारी किताबें इस्लाम बारे हैं, इस्लाम के बारे में हैं। जो भी गलत फहमियाँ मुल्क के अंदर हैं, स्टेट के अंदर हैं, लोगों में फैलाई जा रही हैं, दूसरे जो सही इस्लाम के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके लिए सारी किताबें हैं जो बिल्कुल सही इस्लाम को का जो परिचय कराती हैं। तो इसलिए ये किताबें उर्दू में हैं, हिंदी में हैं, पंजाबी में हैं, ये ज़बान में इंग्लिश में है, इस चारों ज़बानों में हमारे पास ये किताबें मिलती हैं। उर्दू का तर्जमा किया हुआ उनमें? उर्दू का नहीं है वो, इंग्लिश तो इंग्लिश में है, हिंदी है तो हिंदी में है। इन किताबों का तर्जमा है? इन किताबों का तर्जुमा हिंदी में भी है, पंजाबी में भी है। हाँ, कितनी बिक रही है ये किताबें? किताबें बस जो दिलचस्पी रखते हैं इस्लाम को समझने के लिए या इस्लाम के बारे में जानने के लिए तो वो किताबें ले जाते हैं। ठीक है, अच्छा है। देखो इतने आके रूह खुश हो जाती है क्योंकि जे किताब प्रेमी जदों मिलते आ, कि मैं खुद किताब प्रेमी हाँ, तो बाग बाग हो जाता बंदा। किन्ने सालों तो तुसीं इत्थे लगातार? मैं 2013 तो लगातार आ रहा। किस तरह दी किताबां तुहाडे कोल ज़्यादातर? एक्चुअली साढ़े को हर तरह दी किताबां होंदियां, नावल, कहानी, कविता, वार्तक, जीवनियाँ, हर तरह का साहित्य होंगे। देखो पिछले 4 साल तो हाली साहब असी ये मेला ला रहे हैं, पुस्तक मेला। तो पुस्तक मेला इस बार देखो होर कोई प्रोग्राम जिहड़ा नहीं हो रहा शहर के जिहड़े आ, जिवें झूले नहीं लगे हुए, कुछ होर नहीं हैगा, पर पुस्तक मेले का रिस्पोंस उवें दा उवें ही है जिवें पहले मेलियां दे विच हुंदा है। मैं ये भी कह सकदा कि इस बार पुस्तक मेले का रिस्पोंस पहलां नालों भी ज़्यादा हैगा जी। तो खास करके असी जिहड़ी रूबरू करते हैं 11 बजे तो 12 बजे असी रूबरू कराया करते हैं, हर रोज़ एक रूबरू हुंदी है। जिवें अज मंगा सिंह अंटाल बहुत अच्छे लेखक ने, तो उन्होंने आपदी जीवन के उत्ते एक किताब लिखी है शरारती तत्, वो आए सी, तो बहुत लोग उन्होंने सुन भी आते हैं रूबरू वाले। किताबा खरीदने वाले का तो मैं लगता भी लड़ी नहीं टुटती पई, आ रहे ने जा रहे ने, आ रहे ने जा रहे ने, बहुत लोग पसंद करते हैं। फरीदकोट मेले उड़ीकते हैं जी, पुस्तक मेला फरीदकोट जो उड़ीकया जाता। बाकी साहित्य विचार मंच के मेरे सारे साथी खड़े ने, ये बहुत मेहनत करते हैं जी, इन्हों की मेहनत के नाल ही सारा कुछ सफल हों। ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ? ਹਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਨੇ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਮੇਲੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਆਪਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੋਰਸਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 2%, 5%, 10% ਲੈਸ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇ। ਹਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 70 ਤੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਖਰਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੂ ਵੱਧ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੋਸਤ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਹੋ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਰਦਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ। 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ।